तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस क्या किए थे। पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इनके बारे में चीजें देखी थी। उसके बाद एंड पे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कि आइडेंटिटीज देखी थी हमने, इनवर्स देखा था, जैसे रियल नंबर का होता है वैसे इसके अंदर भी था। उसके बाद आर्यन डायग्राम देखी थी जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मैंने बताया था अगर उसका कॉन्जुगेट ड्रॉ करोगे तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे हो जाएगा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर हो जाएगा। तो जहां पे भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट होता है। तो ये तो कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मतलब था, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और दूसरी चीज के मॉडुलस का सीन क्या था, मैंने बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ड्रॉ किया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये आपको मॉडुलस बताएगा। आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम करना, जो भी आपके पास नंबर आएगा वो नंबर आपको ये बताएगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको आप कहते हो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट एक फैंसी वर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी यूज करते हैं हम, और हाई लेवल पे तो खैर वैसे यूज कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एंगल, सॉरी आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, इसको आप आर्गुमेंट कहते हो। तो आर्गुमेंट ये हो जाएगा कि लेट कर लो ये आर्यन डायग्राम है, इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ है इसकी मतलब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये तो बताएगा मॉडुलस, लेकिन ये जो एंगल है इस एंगल थीटा को आप क्या कहते हो, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब वर्ड आर्गुमेंट पढ़ो ना तो इसे घबराना नहीं, आर्गुमेंट कोई बहुत कोई नई चीज नहीं है, आर्गुमेंट है कि बस वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस से, इसको आप कहते हो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लिखते किस तरह है, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जेड की फॉर्म में तो उसको हम लिखेंगे ए आर जी जेड। ये काइंड ऑफ टॉपिक आप लोगों का नहीं है लेकिन सिंध बोर्ड से बहुत ही करीब तरीन टॉपिक है ये, तभी मैं करवा रहा हूं, वरना इतना आप लोगों के लेवल पे टॉपिक नहीं ना एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन हल्का पुल्का रिलेटेड है तो इसलिए मैं साथ करवा रहा हूं कि अगर भूला भटका कोई एमसीक्यूज आ गया तो आप जवाब दे सकते हो इसका। या करके नाम देखो, जब ऑप्शन में तुक्का लगाते ना हम तो एमसीक्यूज में, तो मैंने ये बताया है कि दो को एलिमिनेट कर दो, तो अगर आपको बाकी चीजों का पता होगा ना, जैसे ऑप्शन में आर्गुमेंट लिखा हुआ है, अब आपको पता ही नहीं आर्गुमेंट होता क्या है तो फिर फंस सकते हो। तो ये हल्का फुल्का टॉपिक में आपको टच करूंगा, इसको थोड़ा समझ लेना आपको काम आ जाएगा ये। तो ये तो बेसिक बात आपने देख ली कि आर्गुमेंट क्या है, एक एंगल है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज भी हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम पूरा 360 तक नहीं जाते, हम क्या करते हैं, हमने ये स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां पे बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे बना हुआ है, या कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे बना हुआ है, तो आप इस तरीके से एंगल ले रहे होगे, इसका इस तरह लोगे, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, मतलब लेट कर लो यहां पे होगा, तो अब आप पॉजिटिव एंगल नहीं लोगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल नहीं लोगे, ठीक है, ये नहीं लोगे, आप क्लॉकवाइज में ले लोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहां पे है, आप सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे होगे। तो यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि आपका एंगल जो है, जो आर्गुमेंट जो है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री, 180 से कम नहीं जा सकता, क्योंकि वही मैंने बात बताई है ना कि नीचे जब जाएगा तो फिर आप क्लॉकवाइज ले रहे होगे। तो 0 से लेके 180 और इसी तरह 0 से लेके -180, क्योंकि आपको पता है जब आप क्लॉकवाइज जा रहे होते हो तो आप एंगल को नेगेटिव ले रहे होते हो। तो यहां पे 0, फिर -90, यहां पे हो जाएगा आप फिर -180। तो ये जो थीटा है ना, इसकी रेंज क्या होती है, 180 डिग्री से लेके -180 लिख देता हूं मैं, 180 डिग्री तक के यहां पे। अच्छा है ये 360 एंगल, क्योंकि देखो 0 से लेके -180 से लेके 0 तक 180 होगा,
और 0 से लेके 180 तक 180 होगा, टोटल 360 आएगा इसके अंदर। लेकिन हम 0 से लेके 360 तक नहीं जा रहे, हम -180 से लेके 180 तक जा रहे हैं। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है ना, उसमें और कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल में ये फर्क आ रहा है इनका, बाकी एग्जैक्ट वही है, उसी तरह आपने एंगल लेना है। बस जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो अब आप इसको क्लॉकवाइज ले रहे हो। बहरहाल जी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, एक ट्रिक है, उसको याद कर लो, वो आपके लिए काफी है। किसी भी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपको मसला नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज देख लो, आपने ये निकालना है, लेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, या एक्स वाई की फॉर्म में, या ए बी कर लो, यही करते हुए आ रहे हैं हम। तो आपने सबसे पहले ये चीज निकालनी है, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, और आपने बी और ए की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन असल में ये चीज होती है कि वो बी पे भी मॉड लगाया हुआ है, ए पे भी मॉड लगाया हुआ है, उसकी रीजन ये है कि बी और ए की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखा हुआ है ना, तो अब आप -√3 नहीं लोगे बी को, अब आप √3 लोगे। आपने क्या करना है, ए और बी की आपने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है इस ट्रिक के लिए। तो अगर कंफ्यूज ना हो तो इस तरह लिख लो, वरना अपने जहन में भी आप कर सकते हो कि यार मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है इसकी, ठीक है। आपने ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद इस वाली चीज को याद रख लेना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो थीटा है, मतलब आर्गुमेंट जो है, वो टेंजेंट इनवर्स के बराबर ही होता है। अब मैं बी अपॉन ए लिख रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को पता है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आपने लेनी है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो फिर थीटा बराबर होगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। मैं एग्जांपल भी करवा के आप लोगों को बता दूंगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो अब आर्गुमेंट मतलब थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए माइनस पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में है टेंजेंट इनवर्स माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। अब मैं दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, बाकी दो आप लोग को लेट कर लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो काफी इजी हो जाता है, मैं आपको एक थर्ड क्वाड्रेंट की दे देता हूं, एक मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की दे देता हूं, सेकंड फर्स्ट की आप खुद कर लेना। अच्छा, पता कैसे चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में है, थर्ड में, किस में? तो बहुत आसान तरीका है, लेट कर लो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह आपको नजर आ रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है। इसको इस तरह समझ लो कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि जिसमें एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको बताओ तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव हो रहा होता है। इसका सिंपल सा मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली बात। अब आर्गुमेंट कैसे निकालोगे? वही कॉन्सेप्ट है, आपने टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए निकालना है। बी यहां पे अगेन पॉजिटिव वैल्यू √3, और रियल पार्ट ए क्या है 1। टेंजेंट इनवर्स √3 कैलकुलेटर से निकाल लेना, 60 डिग्री होता है, पाई बाय 3 भी जिसको आप लिखते हो। उसके बाद आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ के अंदर है ना। तो मैंने बताया था फोर्थ के अंदर आर्गुमेंट क्या होगा, जो भी टेंजेंट इनवर्स आया है ना उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब यहां पे थीटा जो आर्गुमेंट है, जो भी टेंजेंट इनवर्स में एंगल आया था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये एंगल हो जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसकी रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहां पर बनाया होगा, इधर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो अब आप पॉजिटिव नहीं लोगे, आप नेगेटिव ले रहे होगे, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे होगे, जो कि एंगल -60 डिग्री होगा, जो इस ट्रिक से आपने आसानी से मालूम कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट से दूर रखने के लिए मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बता दी है, याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये तो टेंजेंट इनवर्स है, ये माइनस टेंजेंट इनवर्स, अच्छा ये पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स माइनस पाई है, तो इतना आपको कोई इश्यू नहीं होगा इसको याद करने में। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, लेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -√3 आयोटा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। वही काम करो, टेंजेंट इनवर्स निकालो, अगेन पॉजिटिव वैल्यू लोगे दोनों की, टेंजेंट इनवर्स यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको थीटा निकालना है। आपने ये देखा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है टेंजेंट इनवर्स माइनस पाई, तो टेंजेंट इनवर्स क्या है 60 डिग्री, माइनस पाई मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 60 -180 -120 डिग्री। तो यहां पे आपका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा -120 डिग्री, अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो -2π/3 हो जाएगा।
बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग एग्जांपल लेट कर सकते हो। कैसे? आप लेट कर लेना माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा और वन प्लस रूट थ्री आयोटा, तो सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कवर हो जाएगा। ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो ये जो ऑगमेंट का टॉपिक था जो इतना डिटेल में आप लोगों की बुक में नहीं था, मैंने हल्का फुल्का तकरीबन आपको बता दिया कि अगर आ गया तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ निकाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कुछ सवाल यहां तक? अच्छा यार, अब मुझे कुछ आप लोगों को पढ़ाना है, कुछ प्रॉपर्टीज दिखवानी है। माइक्रोफोन में थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ तक आवाज़ क्लियर है। पहले मुझे कंफर्म कर दो कि अगर माइक्रोफोन मेरा साइड पे है, अगर यहाँ तक मैं बताऊँ बोलूँ तो ठीक है या कोई इशू हो रहा है आवाज़ में? बस सही है। अच्छा जी, अब सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है, एक मिनट यार। सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर कौन सा नंबर होगा? हाँ, ये अभी वही मैं करने लगा हूं। ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आपने प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट में एड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, ये वही डिस्कस करने लगे हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, इनफैक्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नए बोर्ड पे लिखता हूं। आपने दो चीजों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आप एक तो कॉन्जुगेट की पढ़नी है, दूसरा आपको उसकी पढ़नी है मॉडुलस की। अच्छा, मेरे पास यहां पे काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वही लिखवाऊंगा जो आप लोगों के काम की है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, फिर कॉन्जुगेट की डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो कंबाइन है ना इनकी वो डिस्कस कर लेंगे। मॉडुलस मैं बता देता हूं, मॉडुलस होता कि अभी भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो आप क्या करो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसके बाद आप यहां पर स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडुलस की उसको देख लो, ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी है, डिवीजन के अंदर भी है, ये आपका काम काफी आसान करती है। और वो ये है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और इनका मॉडुलस ले रहे हो। अब ये एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम इन द सेंस कि पहले आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एक लंबा प्रोसेस होता है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर फॉर्मूले के बगैर करो फिर भी एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद आप मॉडुलस लोगे। तो ये बराबर है कि आप पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो, और मॉडुलस लेना काफी इजी काम है। आपने z1 का मॉडुलस लिया, आपने z2 का लिया, और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दो को मल्टीप्लाई करो फिर मॉडुलस लो, ये बराबर है कि पहले आप दोनों का मॉडुलस ले लो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टीज जो है ये आपको अभी जो कॉन्जुगेट है ना उसमें भी नजर आएंगे। सेम प्रॉपर्टी डिविजन के अंदर भी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं और आपने उनका मॉडुलस लेना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना एक मुश्किल काम है, आपको पता है, फॉर्मूला लगाओ या वैसे भी सॉल्व करो, मुश्किल काम है, उसके बाद आप मॉडुलस लो। तो इससे इजी काम क्या है कि आप z1 का मॉडुलस लो, आप z2 का मॉडुलस लो, दोनों को ही कॉन्स्टेंट नंबर आएंगे ना, लेट कर लो 5 आ रहा है 4 आ रहा है, तो फिर आप उसको डिवाइड कर दो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होती है। इसी तरह प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लीकेशन की है, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी वैलिड है। अगर तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यही बराबर होगा कि आप तीनों का अलग अलग मॉडुलस लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या तीन हो, सबके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड है। अच्छा, इसमें एक चीज लिख लेना कि जो z2 है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको पता है ना कि जीरो नहीं आप कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन आपको हर जगह नजर आ रही होगी। उसके बाद एक काम की प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आपको z की पावर n उसका मॉडुलस निकालना है तो ये बराबर है मॉडुलस z की पावर n। अब ये सबसे ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है, क्यों? यहां पे लेट कर लो अगर आपके पास सवाल में एक z दे दें, वो ये प्रॉपर्टीज जो है ये डायरेक्ट भी आ सकती है, मतलब अपने इसी फॉर्म में आपसे पूछ ली जाए,
या इनकी एप्लीकेशन किसी सवाल में भी आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि आप निकालो जेड क्यूब का मॉडुलस। अभी कितना मुश्किल काम है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब लेना। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह करना है, लेकिन वह ट्रिक से भी इतना इजी काम नहीं होता कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्यूब निकालनी है या पावर 4 निकालनी है, कोई भी पावर निकालनी है, तो एक मुश्किल काम होता है। फिर पावर निकालने के बाद आपने उसका मॉडुलस लेना है। तो ये वाली जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये कहती है कि आप ये काम ना करो, इनफैक्ट आप ये काम कर लो कि आप पहले मॉडुलस ले लो उसके बाद उसका क्यूब ले लो। और ये बहुत इजी काम है भाई, मॉडुलस के आंसर में कोई नंबर आएगा ना, उस नंबर का क्यूब लेना कोई बड़ी बात है, ये तो आपका सेकंड्स का काम है, जबकि इधर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब निकालना था उसके बाद मॉडुलस निकालना था। और अभी तो पावर क्यूब है ना, अगर यहां पे पावर 10 आ जाए तो आपके लिए और मुश्किल आता है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर काम है कि आप मॉडुलस निकालो उसकी पावर 10 ले लेना। तो जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है बड़े काम की है, इसको आप लोग देख लेना। कितनी दफा जब सवाल आते हैं ना वो पावर 10 कर देते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो कोई मिस्टेक कर दी है, क्या कर दी है, ये तो निकालना इम्पॉसिबल है। तो वो इम्पॉसिबल नहीं होता, उसमें यही ट्रिक छुपी हुई होती है कि वो आपको बोल देंगे z की पावर 10 का मॉडुलस। अब स्टूडेंट कहेंगे ये निकालना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये काम कर लेना, आप z का मॉडुलस निकालना और उसकी पावर 10 ले लेना, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक काम की प्रॉपर्टी है ना वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो आपके चैप्टर नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। उसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनक्वालिटी। होती क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 इज लेस देन इक्वल टू, z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। अभी ट्राइंगल इनक्वालिटी का बकायदा प्रूफ है, लेकिन प्रूफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो असल कॉन्सेप्ट है इस पूरी चीज को आप क्या बोलते हो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो लेस है z1 प्लस z2 के मॉडुलस से और वो लेस है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी इस तरह भी पूछी जा सकती है या इसको तोड़ के भी पूछी जा सकती है। मतलब आपसे वो एग्जाम्पल दे दें, ये बोले कि बताओ z1 प्लस z2 का मॉडुलस किससे ग्रेटर और इक्वल टू है। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे। अगर आप गौर करो z1 प्लस z2 का मॉडुलस ये किससे ग्रेटर होता है, ये इससे ग्रेटर होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे आंसर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में लिखा होगा ये वाली चीज z1 माइनस z2। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी में आपने देख लिया था कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस ग्रेटर होता है z1 माइनस z2। ठीक है, तो इस तरह आप जवाब दे सकते हो। या आपसे इस तरह सवाल पूछा जा सकता है कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस ये लेस किससे होता है। तो ये आपने देखा था कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस लेस किससे होता है, z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। तो डिफरेंट अंदाज में स्ट्रेट अवे ये भी पूछ सकते हैं पूरी, या आपको हाफ हाफ करके भी पूछ सकते हैं, तो आपने तैयार रहना है। ठीक है, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज थी ये आपने मॉडुलस की देख ली हैं। अब जरा कॉन्जुगेट पे आ जाते हैं, कुछ इनकी कंबाइन भी है, कंबाइन भी मैं एक साथ करवा दूंगा, पहले अलग अलग देख लो। इस सब प्रॉपर्टीज में कहीं भी कॉन्जुगेट नहीं आया था। अब जरा कॉन्जुगेट का डिस्कस कर लेते हैं हम। कॉन्जुगेट क्या होता है जरा शुरू में हम पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b i, तो कॉन्जुगेट को आप बाहर से शो करते हो और ये बराबर होता है a - b i के, इसको आप कहते हो कॉन्जुगेट। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो ये जो शुरू की दो मैंने लिखवाई थी ना यहां पे, एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, एक डिवाइड की फॉर्म में थी। कॉन्जुगेट में माशाल्लाह चारों ऑपरेशन वैलिड है। कहने का मतलब अगर कोई भी z1 प्लस z2 इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एड हो रहे हैं और उनका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये बराबर होगा कि आप पहले दोनों का कॉन्जुगेट ले लो और फिर उनको आपस में ऐड कर दो। सेम प्रॉपर्टी वैलिड। अच्छा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखवाई है, 3 के अंदर भी वैलिड है, 3 हो 4 हो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर वो ऐड हो रहे हो और फिर आपने कॉन्जुगेट लेना है तो वो बराबर होगा, आप अलग अलग कॉन्जुगेट लोगे और उनको ऐड कर दोगे। सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट के लिए भी वैलिड है।
अच्छा, इसी तरह ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वैलिड है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये बराबर है कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो, दूसरे का लो और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और ये सेम प्रॉपर्टी वैलिड है डिवीजन के लिए भी। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशन जो है उसमें कॉन्जुगेट वैलिड है, जबकि मॉडुलस जो है वो बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर वैलिड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये प्रॉपर्टी आपने हर जगह देखी होगी, आपने अभी सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी देखी है, मैट्रिसेस के अंदर, इनवर्स के अंदर भी होगी, ट्रांसपोज के अंदर भी होगी। प्रॉपर्टी बड़ी ईजी है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपने कॉन्जुगेट लिया और उसका दोबारा आपने कॉन्जुगेट ले लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर था मैंने कॉन्जुगेट लिया, जो कॉन्जुगेट आया उसका मैंने दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया, तो वो बराबर हो जाएगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स और ट्रांसपोज सब के अंदर इसी टाइप की प्रॉपर्टीज आपको मिल रही होती हैं। अच्छा जी, और मजीद कौन सी हैं? हाँ, ये वाली अच्छी है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसको उसके कॉन्जुगेट में ऐड करो, करके देख लेते हैं। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट था, ए प्लस बी आयोटा को जब आप ऐड करोगे ए माइनस बी आयोटा में, तो बी आयोटा से माइनस बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, इसको इस तरह भी कह सकते हैं प्योर रियल। कहने का मतलब, कभी तो ज्यादातर वो सवाल इसी तरह पूछते हैं कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसे कॉन्जुगेट में ऐड करते हो तो क्या आता है, तो रियल नंबर आता है आपके पास, क्योंकि जो इमेजिनरी होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करोगे तो इमेजिनरी हट गया, अब आपके पास आंसर में रियल ही आएगा। फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करोगे उसके कॉन्जुगेट से तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि कॉन्जुगेट के साथ माइनस साइन आ रहा है तो अब ए नेगेटिव हो जाएगा और ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पे ए पॉजिटिव था, यहां पे ए नेगेटिव था, तो अब ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बी आयोटा होगा और यहां पे बी आयोटा होगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट में आ जाएगा टू बी आयोटा और ये हो जाएगा प्योर इमेजिनरी। अच्छा, सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने शुरू में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह भी लिखते हो, एक्स प्लस वाई आयोटा, ज्यादातर ये भी चीज लिखी जाती है, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 2y आयोटा, मतलब जहां a लिखा हुआ है ना वो x के बराबर होता है और जहां b लिखा हुआ है वो y के बराबर होता है। तो नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट आ सकती है। असल चीज क्या है कि जब दो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इमेजिनरी आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो आपके पास कोई भी रियल नंबर आ रहा होगा, और इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल बन सकती है, आप कुछ भी बना सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लो 6 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, वो आपसे पूछते हैं कि मालूम करो z प्लस z कॉन्जुगेट, तो कैसे मालूम करोगे? सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट ले लेना, अगर तो आपको ये प्रॉपर्टी याद है फिर तो मसला नहीं है, आपने रियल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो रियल पार्ट 6 है, इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करना, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 6 माइनस आयोटा और फिर इसके अंदर ऐड कर देना, तब भी रिजल्ट आपके पास 12 आ रहा होगा। तो वो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे ये निकालो, तो आप लोग इसको देख लेना। यहां तक कोई सवाल? हाँ बोलो। देखो इसको यहीं पे एग्जांपल ले लो ना, इसका जब कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 6 माइनस आयोटा। ठीक है, ये है जेड बार का मतलब आपने कॉन्जुगेट लिया है। अगर मैं आपको बोलता हूं इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लो, मतलब जेड बार का दोबारा बार ले लो, मतलब दोबारा कॉन्जुगेट ले लो, तो वो क्या होगा? 6 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 6 प्लस आयोटा, जो के बराबर है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर यही तो था, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लो और फिर दोबारा कॉन्जुगेट ले लो तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा।
0.7 की, यार यही एग्जांपल ले लो जो मैंने अभी दी हुई थी ना, इसमें अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो z माइनस z कॉन्जुगेट, तो ये एग्जांपल है इसकी। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको पता है इसका आंसर होगा 2b i, मतलब इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है 1 है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 i के बराबर होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद ना हो तो आपने यहां पे क्या करना होगा, आपने यहां पे इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 6 i। फिर सवाल में आपको बोला गया होगा कि z माइनस z कॉन्जुगेट, z यहां पे है 6 i माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा 6 i। तो 6 i माइनस को 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 6, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो आयोटा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 i, वो जो आपका आंसर आ रहा था। तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हो इसका आंसर 2b i है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 i लिख दो उसके। अगर नहीं याद तो वो भी इतना मसला नहीं है, जो उन्होंने एज इट इज आपको चीज बोली है कॉन्जुगेट निकालो माइनस करो तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी इन्हीं से डिफाइन की हुई है, डिराइव की हुई है। अब मुझे बताओ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ना हो, मतलब बी जो है वो 0 के बराबर हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट ना हो, मतलब ना मौजूद हो, मतलब वो क्या होगा, रियल होगा ना पूरा, अगर उसके अंदर इमेजिनरी नहीं है तो इसका मतलब वो रियल होगा। तो अगर वो रियल है तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि आपको पता है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट के आंसर में आता है 2b i। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसमें b क्या होगा, 0 के बराबर, तो z माइनस z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो अगर ये कंडीशन हो रही है कि z माइनस z कॉन्जुगेट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज रियल, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल है, उसका इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है। इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, माइनस है तो आप उधर ले जाओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, वो आपको एक कंडीशन दे देंगे और बोलेंगे कि z क्या है, अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब z जो है वो एक रियल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसको दूसरे अंदाज में पूछा जा सकता है, मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये आखिरी प्रॉपर्टी है, तो एक साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। नाइंथ प्रॉपर्टी होगी कि अगर z जो है वो माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर है, अगर z z कॉन्जुगेट के बराबर होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, और अगर z माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर होगा तो z आपका प्योर इमेजिनरी होगा। सेंस भी बनती है, ये z प्लस z कॉन्जुगेट है ना, अगर रियल 0 हो जाए, मतलब a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो z कॉन्जुगेट उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को याद रख लो, ये मैंने कंबाइन प्रॉपर्टीज लिखवा दी हैं इनकी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किस प्रॉपर्टी में हो रही है कंफ्यूजन? कौन सी? जो आखिरी वाली यार, ये मैंने काफी डिटेल में बताई है, अगर फिर भी तुम्हें मसला हो रहा है तो मेरी वीडियो में देख लेना, क्योंकि मैं एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका इमेजिनरी जो बी है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज 0 होगी ना, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर बी 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से बी हटा दो तो पीछे क्या बचेगा, रियल बचेगा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट 0 के बराबर आ जाएगा। अब इससे इजी लैंग्वेज में नहीं, आपको बस ये बोलेंगे कि अगर z माइनस z कॉन्जुगेट 0 के बराबर है तो बताओ z क्या है, ऑप्शन में लिखा होगा रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, कुछ ऐसा लिख देंगे। तो आपको पता है जब ये वाली कंडीशन 0 के बराबर होती है तो उस पर z क्या होता है, रियल होता है, इस तरह आएगा। इसी तरह अगर ये वाली कंडीशन पूछ ली जाए, ठीक है, अच्छा इस वाली कंडीशन को अगेन आप हल्का तो इंप्रोवाइज कर सकते हो ना, आप लोग इतने बड़े हो गए हो,
इसको इधर ले आओ आप, ये कर लो, मतलब इधर नेगेटिव था ना, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछ ली जाए कंडीशन, या इस तरीके से पूछ ली जाए, दोनों का मतलब एक ही है कि Z जो है वो क्या होगा, प्योर इमेजनरी हो जाएगा। जैसे इधर दो कंडीशन आपने पढ़ी थी, दोनों में से कोई भी पूछ लेंगे, वो एक ही चीज है।